एसिड का केस है, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अब सुनो, अब जो दो बातें होंगी एक बार में आप इसको समझो। जब हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तब हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो और वही मेन चेन, रूट चेन, पेरेंट चेन होता है। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब मुझे लंबी चेन से कोई मतलब नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से कोई मतलब नहीं, तब मुझे उस चेन को मेन चेन, रूट चेन, पेरेंट चेन बनाना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो, शामिल हो। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके, शामिल करके, अगर वो चेन उस कंपाउंड का सबसे लंबा कार्बन वाला चेन ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों को एक ओवरव्यू मिला, रफ आइडिया मिला कि मैंने क्या कहा, कितनों को समझ में आया? फिर से सुनिए, जब हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, आपका एक ही मकसद है, सबसे लंबा कार्बन का चेन उठाओ, उसे मेन रूट पेरेंट चेन कहो, बात खत्म। जब आपका फंक्शनल ग्रुप होता है तब आपको लंबी चेन से कोई मतलब नहीं है, वो बाद की बात है। आपका पहला काम है ऐसा चेन बनाओ, ऐसा चेन ढूंढो जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो। ऐसा चेन बना के जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो, अगर वो कार्बन की चेन सबसे लंबी नहीं भी बन रही है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है कहानी। स्कूल में और बुक में जो लिखा है वो ये होता है, बच्चों को बस ये बोल देते हैं, हाँ सबसे लंबी पकड़ लेना चेन, वही मेन चेन होता है। और आपने स्कूल में भी यही सुना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज द रूट चेन। ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। तो स्कूल में जो आपको कहा वो गलत नहीं है, पर वो एक स्पेसिफिक केस है, केस नंबर वन है हमारा। बुक में जो लिखा है वो गलत नहीं है, वो सही है, पर वो एक केस है पर्टिकुलर हमारा, पहला वाला। दूसरा केस भी पता होना चाहिए क्योंकि दूसरे केस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे करते हैं। एल्किन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वहां हर कंपाउंड का रूट चेन होता है, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो। एल्किन एल्काइन का जो केस, और एल्काइल नहीं है, वो एल्काइन है, KYNE, वो सेकंड वाले केस में आएगा, पहले केस में नहीं, ठीक है। पहले केस में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। अब मेरे को बताओ, अगर मैं ये स्ट्रेट चेन को मेरा रूट चेन, मेन चेन, पेरेंट चेन बनाओ तो इसमें कितने कार्बन आए? हम सारे केसेस एक एक करके करेंगे, ठीक है। अभी बहुत लंबा चलेगा ये, नवंबर महीना पूरा 8, ठीक है। बच्चे इसको सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं हो गया। क्या ये करेक्ट है? नहीं। मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि इस कंपाउंड में एक और तरीका है रूट चेन सिलेक्ट करने का, जिसमें 8 से ज्यादा कार्बन आए। और प्यारे दोस्तों, समीक्षा ने तुरंत उसको झपक लिया है, वो है ये वाला केस। ये देखो, क्या इसमें सबसे ज्यादा कार्बन नहीं आए? है ना, 9 कार्बन आए। क्योंकि यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसीलिए मेरा मकसद है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढू, बात खत्म। ये जो मैंने ढूंढा है ये सबसे लंबी कार्बन की चेन है जिसमें 9 कार्बन है। सीधा वाला लेता तो उसमें 8 ही आते। अब देखो ब्रांच का क्या कॉन्सेप्ट होता है। कितने कार्बन आपको ऐसे दिख रहे हैं जो मेन चेन, रूट चेन, पेरेंट चेन के हिस्सेदार नहीं बन पाए? आंसर है, एक ऐसा है जो नहीं बन पाया, जो कि ये है। असल में ये क्या है, यहाँ तो हम हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे, असल में ये CH3 है। क्या ये एल्काइल है? बिल्कुल। क्या ये मिथाइल है? बिल्कुल। जब आगे इसका नेमिंग करेंगे तो क्या इस मिथाइल का ही नाम एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स ब्रांच का लिखा जाता है? बिल्कुल, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ,
यहां पर दोस्तों आप बच्चे क्या करेंगे, उनके दिमाग में होता है कि मुझे लंबी चेन पकड़नी है सबसे, तो वो इस तरह का चेन सिलेक्ट करके कहते हैं ये लो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन इसी अरेंजमेंट से आएंगे तो यही बक्सा मेरा रूट चेन है। क्या ये सही है कि क्या ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? ऐसा करने पे आपने तो फंक्शनल ग्रुप को ही बाहर कर दिया भाई। आपको सबसे पहले ऐसे केस में चेन बनाते वक्त सबसे पहले आपको शामिल करना है फंक्शनल ग्रुप को। ये हुआ अब शामिल। अब आप मेरे को बताओ इतना करने के बाद हमारे पास कितने रास्ते हैं? ध्यान से सोचोगे ना तो हमारे पास दो रास्ते हैं। ये देखो, ये मेरा पहला रास्ता है जो कि गलत है। इस तरह से भी कुछ लोग करते हैं, ये गलत है। क्यों? भले ही इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो गया लेकिन देखो कार्बन कितने कम आ रहे हैं। भाई जब फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गई है और फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूडेड रखे रखे आप इस तरह से कुछ कर सकते हो कि ज्यादा कार्बन आए तो वही वाला ना करोगे? माना कि मेरा पूरा एजेंडा सबसे लंबा चेन पकड़ना नहीं है, मानता हूं, लेकिन जब एक बार फंक्शनल ग्रुप को मैंने शामिल कर लिया है मेरी चेन में और वो आ चुका है, अब तो मैं ये ट्राई कर ही सकता हूं ना कि ठीक है फंक्शनल ग्रुप साथ हो लिया, अब मैं फंक्शनल ग्रुप को रखे रखे देखता हूं कि कौन सी सबसे ज्यादा कार्बन की चेन बन सकती है। तो एक तो मैंने आपको ये बना के दिखाया, इसमें चार ही कार्बन आ रहे हैं, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आप गिनोगे तो चार हो गया। लेकिन इससे बेहतर एक तरीका देखो मैं आपको दिखाता हूं, वो कि ये रहा, ये है इससे बेहतर। क्यों इससे बेहतर है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मेन चेन में आ गया और टोटल कार्बन की संख्या भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई। अब देखो अभी लेकिन ये चेन इस कंपाउंड का सबसे लंबा चेन नहीं है, है ना? अगर मैं इस कंपाउंड में इस तरह से चेन पकड़ता तब जाकर ये सबसे लंबा होता, लेकिन मैंने सबसे लंबा चेन पकड़ा ही नहीं है, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती क्योंकि हमें लंबे चेन से मतलब नहीं होता जब फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए लागू है। यहाँ पर मैंने बस कार्बोक्सिलिक बताया, कीटोन होता तो भी ये करते, एल्डिहाइड होता तो भी ये करते, कार्बोक्सिलिक तो कर ही लिया, अल्कोहल होता तो भी ये करते, एल्किन एल्काइन होता तो भी ये करते। अब बताओ कितने कार्बन एटम आपके मेन चेन रूट चेन पेरेंट चेन के भागीदार नहीं बन पाए? ये दो नहीं बन पाए। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये कौन से ग्रुप्स हैं? ये आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? बहुत ध्यान से दिमाग लगाओगे ना तो ये देखो, ये CH2 है यहाँ पे और ये CH3 है यहाँ पे। इसको जोड़ो तो C2H5 जोड़ दिया, ये क्या है? इथाइल। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बेसिक आइडिया मैंने देने की कोशिश की कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रूट चेन, और बहुत धीरे धीरे बताया। अब इसमें एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट और बताता हूं, ये किसी बुक में नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब पे बताता है और कोई डिस्कस भी नहीं करता, फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो मैं आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये पता बहुत कम लोगों को होता है। ये देखो ऐसा बना के दिया, मुझे आप लोग बोलो इस कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन कितने हैं? टर्मिनल मतलब एंड में होने वाले कार्बन कितने हैं? कौन बता सकता है? देखते हैं, ठीक है, समीक्षा सुशील कहते हैं 4। ये आंसर बिल्कुल सही है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये बहुत कम लोगों को रहस्य पता होता है, किसी भी कंपाउंड में दुनिया के जो मेन चेन आता है वो उस कंपाउंड के टर्मिनल कार्बनों से ही होता है, एज द मेन चेन्स टर्मिनल कार्बन। क्या कह दिया भाई? फिर से सुनिए, किसी भी कंपाउंड का जो मेन चेन होता है, रूट चेन पेरेंट चेन होता है, उसके जो टर्मिनल कार्बन होंगे, उस चेन के जो टर्मिनल कार्बन होंगे
वो उस कंपाउंड के ही टर्मिनल कार्बनों में से होंगे। अब कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो आप इसका अप्लीकेशन, यहां आ जाओ, यहां देखो, थोड़ा इस पेन को एकदम बोल्ड करके बताता हूं। ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है, इसमें टर्मिनल कार्बन बताओ कितने हैं? ध्यान से सोच के बताना, चेन वेन कुछ मत देखो अभी, बस बताओ टर्मिनल कार्बन कितने हैं। बिल्कुल करेक्ट, तीन है, एक ये, एक ये, एक ये। अब आप लोग मेरे को देखो और ध्यान से सोचो, इन तीन टर्मिनल कार्बनों में से ही दो टर्मिनल कार्बन हमारे इस पर्टिकुलर ग्रीन बक्से यानी रूट चेन में आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? देखो कौन कौन से, एक आपका ये वाला आ गया, एक आपका ये वाला आ गया। ये एक बहुत ही हार्ड कोर तरीका होता है अपने मेन चेन को चेक करने का, जो कोई नहीं अप्लाई करता। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर मान लो आपने ऐसा मेन चेन सिलेक्ट किया जिसके टर्मिनल कार्बन्स उस कंपाउंड के टर्मिनल कार्बन नहीं है, इसका मतलब है कि आपने गलत चेन बना दी है एज अ रूट चेन। ये एक क्रॉस वेरीफाई करने की निंजा टेक्निक है। और एक पॉइंट सुनो, ये भी कोई डिस्कस नहीं करता। कुछ ऐसे लेजेंडरी बच्चे हैं जो कहते हैं, मुझे तो सारे ही कार्बन लगता है इंक्लूड कर लूं मेन चेन में। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये भी आप लोग देखिए, यही जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है ना, मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूं। ये भी, ये सब सवाल डिस्कस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये क्या है भाई। ये देखो, ये मैंने एक आपको सेम स्ट्रक्चर बना के दिया। कुछ बच्चों को ना समझ नहीं आता है, वो कहते हैं मैं सब कुछ ले लेता हूँ। वो कहते हैं कि मैं ऐसे बना लूँ सर, ऐसे बना लूँ मेन चेन, सबको ले लूंगा, इसको इसको, सारे भाई मेरे आ गए, ये देखो ऐसा बना लूंगा सर मैं, ये लो भाई, ऐसा बना के दे देते हैं। दोस्तों ऐसे अगर मेन चेन रूट चेन बनते तो फिर तो ब्रांच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ऐसे तो हर बच्चा हर कंपाउंड में सारे कार्बन को ही मेन चेन में शामिल कर देता, कोई एल्काइल ग्रुप एज अ ब्रांच आता ही नहीं, है ना? इसीलिए दोस्तों आप याद करो, जब मैं रूट वर्ड बता रहा था और तब समीक्षा जी ने लिखा था नंबर ऑफ कार्बन, मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन ऑफ रूट चेन। तो ऐसे आप सारे नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताता हूं सारे क्यों नहीं ले सकते। देखिए, अगर कोई बच्चा मुझे ऐसा चेन सिलेक्ट करके दे, सही है गलत है वो बात की बात, लॉजिक सही है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते हैं कंटिन्यूअसली, ये देखो लेफ्ट से राइट मैं एक स्टेज में, एक कंटिन्यूटी में ट्रेवल कर पाया। उल्टा भी जा सकते हो आपकी मर्जी, राइट से लेफ्ट जाओ, देख रहे हो एक प्रॉपर कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन की तरह है। ठीक है, ये सही है गलत है वो बात की बात है, बट पॉसिबिलिटी। ठीक है, और एक देखो, मान लो कोई बच्चा ऐसा बना के दे, ठीक है, मान लो कोई बच्चा ऐसा बना के दे, अब ये सही है गलत है वो बात की बात, लॉजिक करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी कंटिन्यूअस ही है, ये भी स्ट्रेट चेन ही है। कैसे? देखो ऐसे गए 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 गए, इस कार्बन पे डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, बाएं जा सकते हो, दाएं जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो ऐसे में ऊपर आ गया, परफेक्ट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो मैं एक चेन सिलेक्ट करके दूंगा और वो गलत क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। ये लो, मान लो किसी बच्चे ने ऐसा सिलेक्ट करके दिया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये गलत क्यों है, देखना ध्यान से। मान लो मैं स्ट्रेट चेन पर जा रहा हूं, 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 अब मैं इस पर्टिकुलर कार्बन पे रुक गया। प्यारे दोस्तों, इस पर्टिकुलर कार्बन पे रुकने के बाद मेरे पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है कि मैं ऊपर चले जाऊं, बात खत्म, वो एक पर्टिकुलर केस हो गया, टॉपिक ओवर, या मैं राइट चले जाऊं, अब वो एक पर्टिकुलर केस हो गया, टॉपिक ओवर। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मैं ऊपर भी जा रहा हूं
और फिर उसी रास्ते से नीचे भी आ रहा हूं और फिर राइट जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं जिस रास्ते पर जा चुका हूं उसी रास्ते पे वापस आ रहा हूं, यानी मैं अपने पाथ को रिटरेट कर रहा हूं, रिट्रेस कर रहा हूं। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से ऊपर चला गया तो बात वहीं खत्म, मैं फिर नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे आने का मतलब है उन्हीं कार्बनों से वापस गुजरना जिनसे मैं एक बार गुजर चुका हूं, और ये कतई संभव नहीं है। यही रीजन है कि किसी कंपाउंड में हम सारे सारे कार्बन को मेन चेन, रूट चेन, पेरेंट चेन नहीं लेते। तो आप इस तरह से चेक करके देख सकते हो। ये जो बहुत छोटी छोटी छोटे छोटी पॉइंट्स हमने बोले ना, ये लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पॉइंट्स हैं। तो ये आपको बहुत काम आएंगे दोस्तों। अगले 3-3 साल तक आप इन चीजों को देखना, यूज करोगे, भर भर के यूज करोगे।